हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीफ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर सीबीएसई बोर्ड का और सीआईएससीई बोर्ड का जो पेपर था उसे ऑनलाइन मोड में लेने से मना कर दिया है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर दिया है कि कोई भी पेपर, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो जो अदर बोर्ड्स हैं, उन्हें ऑनलाइन पेपर नहीं लिया जाएगा। यानी जो बोर्ड पेपर है वो ऑनलाइन पेपर नहीं लिया जाएगा, उसको उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। राइट, तो क्या बातें हुई हैं इसके पीछे, क्या रीज़न रहा है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर जो अपडेट है वीडियो का आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर डिड गिव इंस्ट्रक्शंस दैट इफ देयर आर एनी शॉर्ट कमिंग्स इन कोविड मेजर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस देन दे शुड बी इमीडिएटली रिमेडाइड बाय द अथॉरिटीज। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में ना होके जैसे गवर्नमेंट ले रही है ऑफलाइन मोड में वैसे होगा, और अगर कोविड के वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके लिए तुरंत जो है जो भी स्टेप लेना है वो अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। यानी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी पेरेंट्स को या किसी स्टूडेंट को, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, पिटीशन के खिलाफ। राइट, जो जस्टिस थे एम खानविलकर और जस्टिस सीडी रविकुमार, उन्होंने जो पिटीशन था इसके लिए कि पेपर ऑफ ऑनलाइन मोड में कराया जाए यानी हाइब्रिड मोड में कराया जाए, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी आलोचना इस बात की करी, और साथ ही साथ एक कड़े शब्दों में कहा कि जो भी पिटीशनर हैं, जो भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए लास्ट मिनट में, क्योंकि पेपर जो है ऑलरेडी डेट शीट आ चुकी है, पेपर होने जा रहा है, तो ऐसे में उनको इस समय ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि जो एग्ज़ाम है वो डिस्टर्ब हो, और आपको जो पिटीशन है वो तैयार नहीं करना चाहिए। इसके लिए जैसे गवर्नमेंट पेपर ले रही है वैसे पेपर आपको जो है पेपर वो है दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। राइट फरेस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको एजुकेशन सिस्टम में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रही हैं, और आपने जो पिटीशन दायर किया है वो काफ़ी देर हो चुका है, लास्ट टाइम में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। राइट, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीबीएसई टर्म फर्स्ट एग्जाम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड सीआईएससीई एग्जाम्स विल बी बिगिन नेक्स्ट वीक। जो सीबीएसई टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सीआईएससीई का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, 6500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, जबकि जो टाइमिंग है वो 3 आवर से घटा के 1.5 आवर पे कर दिया गया है। मतलब जो सेंटर्स थे, नंबर ऑफ जो सेंटर्स हैं एग्जामिनेशंस के, उसको इंक्रीज़ किया गया ताकि जो डिस्टेंस बच्चों में है वो बनी रहे एक तरीके से, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो कोविड की वजह से। साथ ही साथ जो टाइमिंग है वो 3 घंटे से घटा के 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स कर दी गई। इसके खिलाफ जो पिटीशंस थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि इससे काफ़ी डर है कि पेपर अगर ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोविड फैलने का डर है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके आएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो बाहर खड़े रहेंगे तो वहाँ भी जो गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ऐसे में उनके बीच में भी कोविड फैलने का काफ़ी डर पैदा हुआ है। ये आर्ग्यू था जो पिटीशनर्स थे, जो पिटीशंस तैयार किए थे, उन्होंने ये बातें कही कि किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने की बात वहाँ पर कही जा रही है। राइट, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।